अगर आपके घर में भी निकलती हैं बार बार काली या लाल चींटियाँ, तो इनके संकेत के बारे में विस्तार से जानिए। शकुन शास्त्र में लाल और काली चींटियों का घर में निकलना क्या बताया गया है, ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से विस्तार से बताया गया है, सुनिए पंडित पंकज पाठक के अनुसार। देखिए, प्राकृतिक रूप से घरों में चींटियों का निकलना तो निरंतर रूप से लगा रहता है, लेकिन शकुन या अपशकुन के हिसाब से हम यदि विचार करें तो काली चींटियों का निकलना शुभ होता है। अचानक से इनका दिखना शुभ होता है, लाभदायक होता है। इनको दिखने से या निकलने से परेशानियों का भी अंत होता है। इनकी लाइन उत्तर या पूर्व दिशा से यदि प्रारंभ हो रही है तो यह शुभदायक है। इनकी लाइन यदि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो यह उन्नति का संकेत करती है। लेकिन वहीं यदि लाल चींटियाँ हमको हमारे घर में निकलती दिखाई देती हैं तो लाल चींटियाँ अशुभ मानी जाती हैं, और पश्चिम दिशा से यदि ये निकलती हैं तो कहीं किसी कार्य से आपको यात्रा इत्यादि के लिए निकलना पड़ेगा। और अन्यथा लाल चींटियाँ यदि बार बार आपको दिखाई दे रही हैं घर में तो संकट, कर्जा, घाटा इस ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन कभी इन चींटियों को मारना नहीं चाहिए, चाहे वह लाल चींटी हो या वह काली चींटी हो, इनको मारना नहीं चाहिए। इनको यदि हम मारते हैं तो हत्या का पाप लगेगा, दोष लगेगा, और व्यक्ति जब दोष का भागी होता है तो इस जन्म में या आने वाले जन्मों में इसका हमको परिणाम भुगतना पड़ता है। इनको मारने के लिए आजकल मार्केट में कई प्रकार के केमिकल या स्प्रे भी चल रहे हैं, तो इनका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए प्राकृतिक रूप से या देसी रूप से हम इन चींटियों को किस प्रकार से निकलना बंद करें या इनको घर के बाहर कर सकें। साधारणतः आटे की लाइन बनाना या कहीं शक्कर डाल देना, नींबू के टुकड़े करके डाल देना, तेज पत्ता या लौंग छोड़ देना, तो इनकी सुगंध से और इनकी गंध से ये चींटियाँ जो हैं चली जाती हैं। इसलिए हमको इनकी मारने की अपेक्षा इनको बाहर निकालने का प्रयास।